हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर मींस हेरिडिटरी डिसऑर्डर, वो डिसऑर्डर जो जीन या क्रोमोसोम में चेंज की वजह से हैं, एंड दीज डिसऑर्डर आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सो जेनेटिक डिसऑर्डर आर हेरिडिटरी डिसऑर्डर, और दो तरह के होते हैं, वन इज मेंडेलियन डिसऑर्डर, सेकेंड इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर टू टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन इज मेंडेलियन डिसऑर्डर, सेकेंड वन इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर आर ऑल्सो नोन एज जीन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर आर ऑल्सो नोन एज जीन डिसऑर्डर मीन्स वो डिसऑर्डर जो जीन में म्यूटेशन की वजह से होते हैं, उनको हम कहेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर। सेकेंड कैटेगरी इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एक्चुअली क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी चेंज हो या क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास ह्यूमन बीइंग में हर सेल में 46 क्रोमोसोम हैं, अगर किसी वजह से क्रोमोसोम का नंबर कम या ज़्यादा होता है तो उस वजह से जो डिसऑर्डर होंगे उन्हें हम कहेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और इसी तरीके से नंबर के अलावा अगर मॉर्फोलॉजी में चेंज होता है, मान लीजिए किसी क्रोमोसोम का साइज छोटा हो गया है डिलीशन की वजह से, या कोई पर्टिकुलर और डिफरेंट टाइप की जो है मॉर्फोलॉजिकल चेंज हम यहाँ पर पढ़ेंगे आज के ही लेक्चर में, तो अगर क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी चेंज होती है या नंबर चेंज होता है तो उन्हें हम कहेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। सो जेनेटिक डिसऑर्डर दो तरह के होते हैं, एक जो जीन में चेंज की वजह से हो उनको हम कहेंगे जीन डिसऑर्डर और मेंडेलियन डिसऑर्डर। ध्यान रहे यहाँ क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा और क्रोमोसोम का साइज शेप भी सेम रहने वाली है, बिकॉज चेंज क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी में नहीं है, क्रोमोसोम में जो डीएनए सीक्वेंस है वो डीएनए सीक्वेंस चेंज हो गई है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर मींस जीन डिसऑर्डर, जहां पर क्रोमोसोम का साइज शेप सेम है, एज सच है, देर इज नो चेंज, बट एक्चुअली देर इज चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन डीएनए ऑफ दैट क्रोमोसोम। हमें मालूम है हर क्रोमोसोम के पास एक डीएनए फ्रेगमेंट है, और उस डीएनए की सीक्वेंस में, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में अगर चेंज होता है उस प्रोसेस को हम कहेंगे म्यूटेशन, और अगर म्यूटेशन की वजह से जीन का एक्सप्रेशन अफेक्टेड होता है तो उस डिसऑर्डर को हम कहेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्यों हम बोल रहे हैं इन्हें मेंडेलियन डिसऑर्डर, बिकॉज इन डिसऑर्डर का जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो मेंडेलियन जो जेनेटिक्स है उसको फॉलो करके हम स्टडी कर सकते हैं। जैसे मेंडेलियन जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि हर जीन की दो कॉपी है, गैमिट में एक ही कॉपी ट्रांसफ़र होगी, और फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, वन कॉपी इज कमिंग फ्रॉम मदर एंड वन कॉपी इज कमिंग फ्रॉम फादर। तो जीन डिसऑर्डर का जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस के थ्रू हम स्टडी कर सकते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मीन्स क्रोमोसोम का जो मॉर्फोलॉजी है, क्रोमोसोम का साइज या तो छोटा होगा या बड़ा होगा, जीन का जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा, सो देर इज चेंज इन मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम, और देर इज चेंज इन नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का नंबर कम है ज़्यादा है, सो ये हम आगे वाले जो है पोर्शंस में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर और जीन डिसऑर्डर। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं दे आर कॉज्ड बाय अल्टरेशन और म्यूटेशन इन सिंगल जीन। एक पर्टिकुलर जीन की जो सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, अगर उसमें चेंज होता है म्यूटेशन की वजह से तो उन डिसऑर्डर्स को हम कहेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर। व्हाई वी आर सेइंग मेंडेलियन डिसऑर्डर, बिकॉज दे फॉलो मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। इन डिसऑर्डर का जो इनहेरिटेंस है वो मेंडल के पैटर्न को फॉलो करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्रोजेनी में कितना परसेंट इनहेरिट करने के चांसेस होंगे। इन इन डिसऑर्डर का जो इनहेरिटेंस है वो पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू ट्रेस कर सकते हैं। जैसा कि पेडिग्री आप पढ़ चुके हैं पहले वाले वीडियोस में, तो पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू मेंडेलियन डिसऑर्डर का जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो हम स्टडी कर सकते हैं। ये जो डिसऑर्डर हैं, आइदर दे आर ड्यू टू डोमिनेंट जीन और ड्यू टू रिसेसिव जीन। कहने का मतलब है कि ये जो जीन डिसऑर्डर हैं
इनका जो रीज़न है वो डोमिनेंट जीन भी हो सकता है, दे मे बी ड्यू टू रिसेसिव जीन, और इनके जो जीन है दे मे बी लिंक्ड ऑन एक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम. सो या तो ये ऑटोसोमल लिंक्ड होंगी या सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड होंगी, या डोमिनेंट होंगी या रिसेसिव. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम डिस्कस करें हीमोफीलिया, हीमोफीलिया इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. इसका मतलब है कि हीमोफीलिया के जीन एक्स क्रोमोसोम पर हैं, और कौन सी कंडीशन में जीन एक्सप्रेस करेंगे, रिसेसिव कंडीशन में. सो हीमोफीलिया इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. कलर ब्लाइंडनेस इज आल्सो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. सिकल सेल एनीमिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. थैलेसीमिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. इन डिसऑर्डर को हम आगे स्लाइड्स में, वीडियोस में वन बाय वन डिस्कस करेंगे. अलग अलग वीडियो हम इसके लिए डिज़ाइन करेंगे सभी डिसऑर्डर के लिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. फिनाइल कीटोन्यूरिया ऑल्सो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर. ऑटोसोमल डोमिनेंट मीन्स जीन फॉर द डिजीज आर प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम एंड डिजीज एक्सप्रेस इन डोमिनेंट कंडीशन. सो मेंडेलियन डिसऑर्डर मीन्स जीन डिसऑर्डर, जो जीन की जीन में जो डीएनए सीक्वेंस है, डीएनए की जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंज होने की वजह से होंगे, तो उनको हम कहेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर. दे मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव, दे मे बी एक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मीन्स दे अराइज ड्यू टू चेंज इन मॉर्फोलॉजी और नंबर ऑफ क्रोमोसोम. अब हम इन वर्ड्स को यहाँ पर अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि मॉर्फोलॉजी, पहला हम पार्ट लेकर चल रहे हैं ड्यू टू चेंज इन मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम. अगर क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी चेंज होती है तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर अराइज, और किस किस तरीके से मॉर्फोलॉजी चेंज हो सकती है. वन इज एडिशन. एडिशन का मतलब पार्ट ऑफ क्रोमोसोम ब्रेक एंड ज्वाइन टू अनदर क्रोमोसोम. तो जहाँ से वो ब्रेक होगा उसे तो हम कहेंगे डिलीशन. मान लीजिए कोई क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर वन, उसका एक पार्ट डिलीट होकर दूसरी कॉपी पर अटैच हो जाता है, तो जहाँ से डिलीट हुआ वो तो क्रोमोसोम छोटा हो जाएगा, और जहाँ पर ऐड होगा उसको हम क्या कहेंगे, एडिशन. नेक्स्ट स्लाइड में पिक्चर की हेल्प से समझेंगे. एडिशन में आपको ध्यान रखना है कि जो क्रोमोसोम है वो होमोलोग पर ही अटैच होगा. एक होता वर्ड ट्रांसलोकेशन, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम ब्रेक, एक क्रोमोसोम का कुछ पार्ट ब्रेक हो गया लेकिन वो दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ जुड़ेगा, तो उसको हम कहेंगे ट्रांसलोकेशन. डुप्लीकेशन मीन्स एज द नेम इंडिकेट डबल होना, कुछ जीन यहाँ पर डबल हो जाएंगे ड्यू टू चेंज इन क्रॉसिंग ओवर पैटर्न. अगर क्रॉसिंग ओवर प्रॉपर तरीके से नहीं है, डिस्टर्ब्ड है, तो उस वजह से क्या होगा, डुप्लीकेशन. इनवर्जन, इनवर्जन का मतलब होता है इनवर्ट का मतलब 180 डिग्री पर रोटेट होना. ये देखिए यहाँ पर वन बाय वन वी विल डिस्कस. डिलीशन मीन्स पार्ट ऑफ क्रोमोसोम ब्रेक. ये देखिए यहाँ से ये जो क्रोमोसोम है जहाँ 3 और 4 लिखा हुआ है ये ब्रेक हो गया है, और विद द रिजल्ट ये जो क्रोमोसोम है नाउ हैट इज बिकम शॉर्टर, स्मॉलर इन साइज, और यहाँ पर जो 3 और 4 पार्ट लिखा हुआ था दैट हैज़ गोट डैमेज्ड. क्योंकि डिलीशन टर्मिनल एंड से हुआ है, एंड से हुआ है, इसको हम कहेंगे टर्मिनल डेफिशिएंसी. और अगर बीच से कोई सेगमेंट ब्रेक होता है तो यहाँ पर 2 ब्रेक चाहिए और बाद में वो रीअटैच नहीं हुआ, तो उसको हम कहेंगे इंटरकैलरी और इंटरस्टीशियल डेफिशिएंसी. तो आप सिंपल लर्न कर सकते हो डिलीशन मीन्स पार्ट ऑफ क्रोमोसोम ब्रेक, और ब्रेक होने के बाद अगर ये लॉस्ट हो जाता है तो इस क्रोमोसोम से उन जीन की क्या होगी, डेफिशिएंसी, वो जीन वहाँ से लॉस्ट हो जाएंगे. एग्जांपल पढ़ना चाहें तो डियर स्टूडेंट एक डिजीज होती है क्राइड्यूचेट सिंड्रोम, जिसमें क्रोमोसोम नंबर 5 की शॉर्ट आर्म डिलीट हो जाती है. क्रोमोसोम नंबर 5 की शॉर्ट आर्म का कुछ पोर्शन डिलीट होने की वजह से जो डिसऑर्डर होगा उसको हम कहेंगे क्राइड्यूचेट सिंड्रोम, बिकॉज यहाँ पर बच्चे की जो आवाज़ है दैट रिजेंबल वॉइस ऑफ द कैट. सो दिस इज डिलीशन. अब एडिशन क्या होता है, मान लीजिए ये पार्ट जो है क्रोमोसोम का डिलीट हो गया, यहाँ से तो डिलीट हो गया है, यहाँ से कट हो गया है, लेकिन कट होने के बाद अपने होमोलोग क्रोमोसोम के पास जुड़ जाए तो वहाँ पर क्या होगा कि इस क्रोमोसोम का साइज तो बड़ा हो जाएगा जहाँ पर वो अटैच होगा, और इसका साइज क्या हो गया, छोटा. सो दिस इज डिलीशन एंड एडिशन. एडिशन में याद रखना है क्रोमोसोम पार्ट ज्वाइन टू होमोलोग, होमोलोग पर ही जुड़ेगा, तो ऑलरेडी यहाँ पर 3 और 4 हैं और एक और कॉपी आ जाएगी 3 और 4 के, दैट इज एडिशन.
डुप्लीकेशन अक्कर ड्यू टू एबनॉर्मल क्रॉसिंग ओवर। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर सी और डी जीन के बीच में हो रही है और यहाँ हो रही है बी एंड सी के बीच में। अब इस तरह की मिसअलाइंड क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होगा, देखो यहाँ से कट लगकर ये पार्ट यहाँ जुड़ेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, बी सी सी डी, बी सी सी डी, तो यहाँ पर जो सी जीन है वो क्या हो गया, डुप्लीकेट, और यहाँ से सी जीन क्या हो गया, डिलीट, सो दैट इज डुप्लीकेशन आपका ड्यू टू मिसअलाइंड क्रॉसिंग ओवर। ट्रांसलोकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है पार्ट ऑफ क्रोमोजोम ब्रेक एंड ज्वाइन टू नॉन होमोलोग क्रोमोजोम। ये देखिए, ये क्रोमोजोम नंबर 1 है, यहाँ से पार्ट ब्रेक होकर कहाँ चला गया है, क्रोमोजोम नंबर 20 पर, इसको कहेंगे ट्रांसलोकेशन। कई बार क्या होता है कि ट्रांसलोकेशन रेसिप्रोकेट करती है, रेसिप्रोकेट का मतलब म्यूचुअली एक्सचेंज होगा, ये जो पार्ट है 20 से जो पार्ट है वो 4 पर आ जाएगा, 4 से जो पार्ट है वो 20 पर आ जाएगा, तो इस तरह की ट्रांसलोकेशन को हम क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। एडिशन और रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में डिफरेंस क्या है, ये देखिए, क्रोमोजोम नंबर 4 पर कुछ जीन है, क्रोमोजोम नंबर 20 पर डिफरेंट जीन है। अब ट्रांसलोकेशन की वजह से जीन का पोजीशन चेंज हो गया है, कुछ जीन जो पहले क्रोमोजोम नंबर 20 पर थे वो अब वो कहाँ आ गए हैं, क्रोमोजोम नंबर 4 पर, और कुछ जीन जो पहले क्रोमोजोम नंबर 4 पर थे अब वो कहाँ आ गए हैं, क्रोमोजोम नंबर 20 पर, यानी कि पोजीशन ऑफ जीन यहाँ पर चेंज हो रही है। और इसको हमें टर्मिनोलॉजी इसमें हम यूज करेंगे, दैट इज लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप क्या होता है, वो टोटल जीन जो एक क्रोमोजोम पर प्रेजेंट है सब मिलकर क्या कहलाएंगे, लिंकेज ग्रुप। टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट होने क्रोमोजोम कॉन्स्टिट्यूट वन लिंकेज ग्रुप। जैसे क्रोमोजोम नंबर 4 पर ये सब जीन मिलकर क्या कहलाएंगे, वन लिंकेज ग्रुप। अब यहाँ पर ट्रांसलोकेशन में क्या है कि ये लिंकेज ग्रुप चेंज हो रहा है, ये वाले जीन इस क्रोमोजोम नंबर 4 के लिंकेज ग्रुप से कहाँ पर ट्रांसफर हो रहे हैं, क्रोमोजोम नंबर 20। सो दिस इज द प्रोसेस बाय विच जीन मूव फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर लिंकेज ग्रुप। जीन जो हैं वो एक लिंकेज ग्रुप से दूसरे लिंकेज ग्रुप पर ट्रांसफर हो रहे हैं, सो दैट इज रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। सो रेसिप्रोकल का मतलब होता है म्यूचुअल, यहाँ से 20 से 4 पर, 4 से 20 पर। एडिशन में क्या होगा, सिंपली वो होमोलोग में ट्रांसफर होंगे, जैसे यहाँ देखिए डुप्लीकेशन में भी होमोलोग पर ट्रांसफर हुए हैं, जिससे उन जीन का नंबर क्या हो गया, डबल। यहाँ पर किसी भी जीन का नंबर डबल नहीं है, यहाँ से जीन यहाँ चले गए, यहाँ से जीन यहाँ, तो जीन की जो पोजीशन है क्रोमोजोम पर वो चेंज हो गई। जबकि एडिशन में क्या है, जो जीन पहले क्रोमोजोम नंबर 1 पर था अब भी क्रोमोजोम नंबर 1 पर ही रहेगा। सो फिर से देखेंगे, डिलीशन मींस पार्ट ऑफ क्रोमोजोम ब्रेक, ऑब्वियसली जिस क्रोमोजोम से वो पार्ट डिलीट हुआ है वो क्रोमोजोम का साइज क्या हो जाएगा, छोटा। ये क्रोमोजोम का सेगमेंट लॉस्ट भी हो सकता है, वापिस भी यहीं इसी पोजीशन में जुड़ सकता है, या अपने होमोलोग के साथ अटैच हो सकता है। अगर डिलीटेड सेगमेंट होमोलोग के साथ अटैच हो तो होमोलोग पर उन जीन का नंबर डबल हो जाएगा, और इस तरह के प्रोसेस को कहेंगे एडिशन। सो एडिशन में लिंकेज ग्रुप चेंज नहीं होता, पहले भी सेम क्रोमोजोम पर थे अब भी सेम क्रोमोजोम पे हैं। क्रोमोजोम मीन्स होमोलोगस क्रोमोजोम पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। डुप्लीकेशन का मतलब होता है किसी जीन का नंबर डबल हो जाना, तो डुप्लीकेशन किस वजह से हो सकता है, मिस अलाइंड क्रॉसिंग ओवर की वजह से। यहाँ क्रॉसिंग ओवर सी एंड डी के बीच में और यहाँ बी एंड सी के बीच में, तो ये जो कट लगा यहाँ पर, तो यहाँ हम कैसे देखेंगे, बी सी, और यहाँ से ये जुड़ेगा इसके साथ सी डी। क्रॉसिंग ओवर मीन्स म्यूचुअल एक्सचेंज, जो आप पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ से सेगमेंट इधर और यहाँ से सेगमेंट इधर। सो मिस अलाइंड क्रॉसिंग ओवर की वजह से कुछ जीन क्या हो जाएंगे, डबल। ट्रांसलोकेशन, क्रोमोजोम का एक पार्ट डिलीट होकर किसी दूसरे नॉन होमोलोग क्रोमोजोम पर जाकर अटैच होगा, तो उसको हम कहेंगे ट्रांसलोकेशन। इसमें लिंकेज ग्रुप चेंज हो रहा है, जीन की पोजीशन जो है दैट इज ऑल्सो गेटिंग चेंज्ड। इनवर्जन, इनवर्ट का मतलब होता है रोटेट करना, क्रोमोजोम का एक पर्टिकुलर सेगमेंट ब्रेक होकर 180 डिग्री रोटेट करेगा और फिर वापस जाकर जुड़ जाएगा। तो इस तरह के मॉर्फोलॉजिकल चेंज के लिए दो ब्रेक चाहिए। जैसे अब यहाँ देखिए, कलर पे ध्यान देंगे आप, यहाँ पे यहाँ से कट हुआ और यहाँ से कट हुआ, और ये पार्ट 180 डिग्री रोटेट होकर वापस ऐसे अटैच हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ से कट हुआ, 180 डिग्री रोटेट होकर अटैच हो गया। दोनों डायग्राम में डिफरेंस क्या है,
इस फर्स्ट फिगर में सेंट्रोमियर इज इन्वॉल्व्ड. कौन इन्वॉल्व्ड है? सेंट्रोमियर. और यहाँ पर सेंट्रोमियर इज नॉट इन्वॉल्व्ड. तो इन्वर्जन दो तरह का होता है, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन एंड पैरासेंट्रिक इन्वर्जन. याद रखना बिल्कुल आसान है, आई और ए वर्ड का डिफरेंस है. आई मीन्स इन्वॉल्व्ड, आई मीन्स इन्वॉल्व्ड. कौन इन्वॉल्व्ड? सेंट्रोमियर इज इन्वॉल्व्ड, तो उसको कहेंगे पेरीसेंट्रिक. और पैरासेंट्रिक मीन्स सेंट्रोमियर इज नॉट इन्वॉल्व्ड. एक और चीज़ देखें यहाँ पर जो इन्होंने मेंशन किया है, दैट इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग. दोनों आर्म इन्वॉल्व्ड है. पी पी हम कहते हैं शॉर्ट आर्म को, क्यू कहते हैं लॉन्ग आर्म को. पी वर्ड पटाइट से जो है लिया गया है, पटाइट का मतलब होता है धुंधला, दैट इज नॉट क्लियरली विजिबल. तो शॉर्ट आर्म के लिए पी वर्ड यूज करेंगे और लॉन्ग आर्म के लिए क्यू, क्योंकि सेंट्रोमियर इन्वॉल्व्ड है तो दोनों आर्म इन्वॉल्व्ड होंगी पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन में, और पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में ओनली वन आर्म इज इन्वॉल्व, चाहे ये अकेली इन्वॉल्व हो सकती है या ये. सो इन्वर्जन का मतलब होता है क्रोमोजोम का पार्ट ब्रेक एंड ज्वाइन इन इन्वर्टेड ऑर्डर, 180 डिग्री पर रोटेट हो गया है. तो इससे क्या होगा कि जीन का लिंकेज ग्रुप चेंज होगा? नो, जीन जिस क्रोमोजोम पर हैं वहीं रहेंगे, लेकिन उनका जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगा. सो अगर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व्ड है पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन, अगर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व्ड नहीं है पैरासेंट्रिक इन्वर्जन. एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे यहाँ पर, अगर पैरासेंट्रिक इन्वर्जन है तो क्रोमोजोम की मॉर्फोलॉजी सेम रहेगी, जो शॉर्ट आर्म है वो शॉर्ट रहेगी, लॉन्ग आर्म है वो लॉन्ग रहेगी. लेकिन अगर पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन है तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, आर्म ऑफ द क्रोमोजोम माइट गेट चेंज्ड. मान लीजिए यहाँ से थोड़ा सा पार्ट यूज हुआ है, यहाँ इन्होंने बराबर लिया है इसलिए हमें मॉर्फोलॉजी चेंज दिखाई नहीं दे रही है. अदरवाइज मान लीजिए कट यहाँ पर लगा इधर और यहाँ लगा इधर, तो जब वापस जाके जुड़ेंगे तो यहाँ तो छोटा पार्ट ऐड होगा और यहाँ पर बड़ा, तो अल्टीमेटली इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और इसकी लेंथ डिक्रीज. तो पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन में क्रोमोजोम की मॉर्फोलॉजी चेंज हो सकती है, जबकि पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में कभी भी क्रोमोजोम की मॉर्फोलॉजी चेंज नहीं होगी. नाउ न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोजोम ऑल्सो लीड टू क्रोमोजोमल डिसऑर्डर. किसी भी वजह से क्रोमोजोम का नंबर चेंज होता है, क्रोमोजोम का नंबर कम होता है या ज़्यादा होता है, दैट इज न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटी. एक या ज़्यादा क्रोमोजोम नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोजोम से कम होना, जैसे 2n इज नॉर्मल डिप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोजोम. 2n से अगर एक क्रोमोजोम कम है, 2n-1 दैट इज मोनोसोमी. 2n-1 मींस 46 क्रोमोजोम की बजाय कितने क्रोमोजोम हैं? 45. अब मोनोसोमी मींस हर क्रोमोजोम की दो कॉपी हैं, लेकिन कोई एक क्रोमोजोम है जिसकी एक कॉपी गायब है, वन कॉपी इज मिसिंग. सो 46 की बजाय हमारे पास कितने क्रोमोजोम हैं? 45. 45 में से जो है 22 तो पेयर में होंगे, लेकिन 23rd सिंगल होगा, उसको हम कहेंगे मोनोसोमी. 2n-2 मीन्स एक क्रोमोजोम की दो कॉपी हैं, वो दोनों की दोनों कॉपी ही मिसिंग है, तो इसके लिए वर्ड हम यूज करेंगे नलीसोमी. नल मीन्स जीरो. 22 पेयर ऑफ क्रोमोजोम आर देयर. अगर हम ह्यूमन बींग की बात करें तो 44 क्रोमोजोम होंगे, 22 पेयर होंगे, और वन जो क्रोमोजोम है दैट इज कम्प्लीटली मिसिंग, तो उसको हम कहेंगे नलीसोमी. 2n-1-1 आपको मैच लगा के 2n-2 नहीं कर देना है. 2n-1-1 का मतलब है, मान लीजिए कोई क्रोमोजोम नंबर 4 है उसकी भी एक कॉपी है, क्रोमोजोम नंबर 7 उसकी भी एक कॉपी, यानी कि दो बार क्या हो रही है, मोनोसोमी, डबल मोनोसोमी. 2n-2 में भी क्रोमोजोम नंबर 44 है, 2n-1-1 में भी क्रोमोजोम नंबर 44 है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर कोई एक क्रोमोजोम की दोनों कॉपी मिसिंग है, लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग क्रोमोजोम की एक एक कॉपी मिसिंग है और एक एक प्रेजेंट. दिस इज डबल मोनोसोमी. अब ये तो बात हुई कि अगर क्रोमोजोम कम हो, अगर क्रोमोजोम नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोजोम से ज़्यादा है, 2n+1 ट्राईसोमी. ट्राई मतलब तीन, 2n का मतलब हर क्रोमोजोम की दो कॉपी, दो कॉपी तो यहाँ है ही, एक और हो गई. जैसे डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में 21st क्रोमोजोम की तीन कॉपी होती है, तो दिस डिसऑर्डर को हम कहेंगे डाउन सिंड्रोम. तो 2n+1 मीन्स 3 कॉपी ऑफ ए पर्टिकुलर क्रोमोजोम. इसी तरह अगर हम कहें 2n
प्लस वन प्लस वन, तो ये डबल ट्राइसोमी होगा। मान लीजिए 21st क्रोमोजोम की 3 कॉपी है और 7th क्रोमोजोम की भी 3 कॉपी है, तो ये क्या कहलाएगा? डबल ट्राइसोमी। टेट्रासोमी 2n प्लस 2, यानी कि एक क्रोमोजोम की 4 कॉपी है, दो कॉपी तो 2n नंबर में आ गई प्लस दो और, तो एक क्रोमोजोम की 4 कॉपी है, तो उसको हम क्या कहेंगे? टेट्रासोमी। सो न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोजोम, अगर क्रोमोजोम का नंबर कम है या ज़्यादा है, वन और मोर क्रोमोजोम, मतलब कंप्लीट कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कंप्लीट सेट डबल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कुछ क्रोमोजोम कम है या ज़्यादा है, तो उसके लिए वर्ड हम यूज़ करेंगे एन्यूप्लॉयडी। सो न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोजोम में हम दो टर्म यूज़ करेंगे, वन इज एन्यूप्लॉयडी, वन इज पॉलीप्लॉयडी। एन्यूप्लॉयडी मीन्स वन और मोर क्रोमोजोम लेस देन और मोर देन नॉर्मल डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोजोम। ये जितने भी एग्जाम्पल आपके सामने हैं, मोनोसोमी, नलीसोमी, ये सब एन्यूप्लॉयडी के हैं। ये देखिए क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, एक एक्स क्रोमोजोम एक्स्ट्रा होता है, 44 प्लस एक्स एक्स वाई। और जो टर्नर सिंड्रोम है, ये जो सिंड्रोम है वो वाई क्रोमोजोम की डेफिशिएंसी की वजह से, यहाँ पर वाई क्रोमोजोम जो है वो मिसिंग है, सॉरी एक्स क्रोमोजोम मिसिंग है यहाँ पर। टर्नर सिंड्रोम इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एक्स क्रोमोजोम, और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोजोम एक्स्ट्रा है और यहाँ पर एक्स क्रोमोजोम की डेफिशिएंसी है। तो ये दोनों ही एन्यूप्लॉयडी के एग्जांपल हुए यहाँ पर। सो दिस इज न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोजोम, जहाँ पर एक क्रोमोजोम, कुछ क्रोमोजोम कम है या ज़्यादा है देन नॉर्मल डिप्लॉयड सेट। वॉट इज द कॉज ऑफ एन्यूप्लॉयडी, किस वजह से क्रोमोजोम अपने डिप्लॉयड सेट ऑफ नंबर से एक या कुछ क्रोमोजोम कम रहेंगे या ज़्यादा रहेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन लाइज इन मियोसिस, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो गैमीट्स हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस। अब जस्ट हैव ए लुक, ये 11th क्लास में आप सब लोग पढ़ चुके हैं, दिस इज नॉर्मल मियोसिस। मियोसिस वन में देर इज अ सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, एंड मियोसिस सेकंड में देर इज अ सेपरेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमेटिड, विद द रिजल्ट सेल में 2n है तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? n। ये देखिए यहाँ पर दो क्रोमोजोम हैं टोटल, सॉरी 4 क्रोमोजोम हैं, तो डॉटर सेल में कितने क्रोमोजोम हैं? 2। सो अगर हमारे बॉडी में 46 क्रोमोजोम है तो गैमिट्स में कितने होंगे? 23। यहाँ पर भी हम 4 क्रोमोजोम लेकर चले हैं, लेकिन ये देखिए ये डायग्राम जो है शो कर रहा है मियोसिस वन में नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन इन मियोसिस वन। कैसे? मियोसिस वन में होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट होते हैं, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट नहीं हुए और एक पोल की तरफ चले गए, तो अल्टीमेटली मियोसिस वन के बाद इस सेल में तो एक क्रोमोजोम होगा और इधर की साइड जो सेल बनेगी उसमें 3 क्रोमोजोम होंगे। अब देखिए जब ये सेल मियोसिस टू में जाएगी तो यहाँ 3 क्रोमोजोम है, देखिए नॉर्मल में कितने थे? 2, यहाँ पर कितने हैं? 3। गैमिट्स में भी कितने हैं? 3। तो ये एग्जांपल हो गया n प्लस 1 का, n प्लस 1 मीन्स यहाँ पर 23 प्लस 1 कितने हो गए? 24। अब ये गैमिट अगर इस नॉर्मल गैमिट के साथ फ्यूज करता है तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? 2n प्लस 1। कौन सा डिसऑर्डर हो गया? ट्राइसोमी। ये देखिए यहाँ पर n प्लस 1, 23 प्लस 1 मतलब 24 और यहाँ पर 23, तो टोटल कितना हो गया? 47। और रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिखेंगे? 2n प्लस 1, राइट? सो ये नॉन डिसजंक्शन मियोसिस 1 में भी हो सकता है और मियोसिस 2 में भी। सो अगर मियोसिस 1 में नॉन डिसजंक्शन, देखिए यहाँ पर 3 क्रोमोजोम हो गए, यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर इन्होंने नॉर्मल शो किया तो यहाँ पर 3 हो गए, 3 हो गए। अब कहने को यहाँ पर भी हम नॉन डिसजंक्शन शो कर सकते हैं, मान लीजिए फर्स्ट क्रोमोजोम नॉन डिसजंक्शन शो करके और इधर की तरफ ही चले जाए तो यहाँ तो 4 हो जाएंगे और यहाँ कितने हो जाएंगे? 2। लेकिन इन्होंने क्या शो किया? यहाँ नॉन डिसजंक्शन और यहाँ नॉर्मल है, यहाँ देखिए यहाँ क्रोमोजोम कितने हो गए? n-1। अब n-1 अगर इस नॉर्मल गैमिट के साथ फ्यूज करता है तो आपको क्या मिलेगा? 2n-1। कोई भी क्वेश्चन है इस तरीके से आप उसे सोल्व कर सकते हैं कि हाउ दीज कंडीशंस अराइज। ये देखिए यहाँ पर मियोसिस वन नॉर्मल शो करी हुई है, मियोसिस सेकंड में क्या हो गया है? नॉन डिसजंक्शन, ये नॉर्मल है, यहाँ नॉन डिसजंक्शन है, तो दोनों के दोनों क्रोमोजोम एक साइड चले गए, क्रोमेटिड एक साइड चले गए हैं, तो अल्टीमेटली इस डॉटर सेल में 3 क्रोमोजोम और यहाँ कितने हैं? 1।
मियोसिस वन का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। अगर नहीं पढ़ा है या याद नहीं है तो एक चीज़ मैं बता देती हूँ, उससे आपको याद रखना है। मियोसिस वन में होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट होंगे। ये देखिए, दो क्रोमोजोम इस पोल पर जाएंगे, दो क्रोमोजोम इस पोल पर। अब ये सेल मियोसिस सेकेंड में एंटर करेगी तो क्रोमेटिड सेपरेट होंगे। यहाँ दो क्रोमोजोम थे एक सेल में, तो ये क्रोमेटिड सेपरेट हो रहे। अगर क्रोमोजोम सेपरेट नहीं हो रहे हैं तो ये नॉन डिसजंक्शन है मियोसिस वन में, और अगर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हो रहे हैं तो ये नॉन डिसजंक्शन है मियोसिस सेकंड में। सो नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग मियोसिस वन और मियोसिस सेकंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल गैमीट्स। इन गैमीट्स में या तो क्रोमोजोम कम होंगे या ज्यादा। ये सिंगल नॉन डिसजंक्शन का एग्जाम्पल लिया है, हम एक से ज्यादा भी शो कर सकते हैं। मान लीजिए यहां पर ये वाला भी सेपरेट नहीं हो और ये वाला भी सेपरेट नहीं हो, तो हमारे पास गैमिट क्या होता, एन प्लस वन प्लस वन, राइट। सो दिस इज नॉन डिसजंक्शन। अब ये जब गैमिट्स नॉर्मल गैमिट्स के साथ फर्टिलाइज करेंगे या एबनॉर्मल गैमिट्स के साथ फर्टिलाइज करेंगे तो रिजल्टिंग कॉम्बिनेशन हमें बताएगा कि ट्राइसोमी है या टेट्रासोमी। जैसे अब ये देखिए, एन प्लस वन और एन प्लस वन, यहाँ पर जो क्रोमोजोम एक्स्ट्रा है यहाँ पर भी वही क्रोमोजोम एक्स्ट्रा है। अगर ये दोनों गैमिट आपस में फर्टिलाइज करते हैं तो रिजल्ट क्या रहेगा, 2n प्लस 2, तो ये टेट्रासोमी होगा। अगर ये गैमिट और ये गैमिट फ्यूज करते हैं तो 2n प्लस 1 ट्राइसोमी, ये गैमिट और ये करते हैं तो 2n माइनस 1 मीन्स मोनोसोमी। सो दिस इज द कॉज ऑफ एन्यूप्लॉयडी। सो व्हाट इज द कॉज ऑफ एन्यूप्लॉयडी, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोजोम और क्रोमेटिड ड्यूरिंग मियोसिस। नॉन डिसजंक्शन मीन्स नॉन सेग्रीगेशन। अगर किसी भी वजह से होमोलोगस क्रोमोजोम या क्रोमेटिड सेपरेट होकर अपोजिट पोल पर नहीं जाते, जबकि एक ही पोल की तरफ चले जाते हैं, उसे हम कहेंगे नॉन डिसजंक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटी इन क्रोमोजोम इज पोलीप्लॉयडी। पोली मीन्स मैनी। इफ देर आर मोर देन टू सेट ऑफ क्रोमोजोम, टू सेट ऑफ क्रोमोजोम से ज्यादा होना मीन्स 3n, 4n, 5n, 6n, 8n, 10n, that is polyploidy. पूरा का पूरा अगर क्रोमोजोम सेट ही डबल हो गया है तो उसे हम क्या कहेंगे, पोलीप्लॉयडी। पोलीप्लॉयडी इज ऑफ टू टाइप, ऑटो पॉलीप्लॉयडी एंड एलो पॉलीप्लॉयडी। ऑटो पॉलीप्लॉयड क्या होते हैं, मोर देन टू सेट ऑफ क्रोमोजोम ऑफ सेम स्पीसीज। जैसे यहाँ पर कोई पर्टिकुलर स्पीसीज है ए, उस ए स्पीसीज के चार सेट होना, सो दिस इज ऑटो टेट्राप्लॉयड। और इसी तरह इस बी स्पीसीज के सिक्स सेट होना, दिस इज ऑटो हेक्साप्लॉयड। सो ऑटो पॉलीप्लॉयड मीन्स मोर देन टू सेट ऑफ क्रोमोजोम ऑफ सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के क्रोमोजोम का नंबर दो सेट से ज्यादा होना, ऑटो पॉलीप्लॉयड। एलो पॉलीप्लॉयड, एलो पॉलीप्लॉयड मीन्स मोर देन टू सेट ऑफ क्रोमोजोम ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज। एक्चुअली जो एलो पॉलीप्लॉयड है, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जब हम दो डिफरेंट स्पीसीज को हाइब्रिडाइज करते हैं तो वी गेट एलो पॉलीप्लॉयड। और प्लांट्स के केस में पॉलीप्लॉयड इज मोर कॉमन, क्योंकि जो पॉलीप्लॉयड वराइटी होती है दे आर हैविंग हाइब्रिड विगर। उनका जो साइज है या फ्रूट है या लीव्स है फ्लावर्स है, उनका जो साइज है वो बड़ा होता है, यील्ड जो है वो भी ज्यादा होती है। सो एलो पॉलीप्लॉयड में एक वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल इज ए वीट, एलो पॉलीप्लॉयड वीट है, जो वीट और राई को क्रॉस करके प्रोड्यूस किया गया था। वीट ट्रिटिकम एस्टाइवम, ट्रिटिकम एस्टाइवम वीट का बोटेनिकल नेम है और राई का बोटेनिकल नेम है सीकेल सीरियल मींस राई। सो वीट और राई को क्रॉस करके क्या मिला है, ट्रिटिकेल। नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ पॉलीप्लॉयडी। जैसे एन्यूप्लॉयडी का कॉज नॉन डिसजंक्शन है, इसी तरह पॉलीप्लॉयडी का कॉज है अगर किसी वजह से कैरियोकाइनेसिस नहीं होती है। कैरियोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। सेल साइकिल इज गोइंग ऑन, डीएनए डबल हो चुका है, लेकिन अगर किसी वजह से कैरियोकाइनेसिस नहीं होती है तो जो डबल हुआ डीएनए है वो क्रोमोसोम है वो उसी सेल में रहेंगे और अल्टीमेटली क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, डबल। नेचुरली भी हो सकता है और आर्टिफिशियली भी हम इसे अचीव कर सकते हैं बाय ट्रीटिंग सेल्स विद कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन क्या है, कॉल्चिसिन एक एल्कलॉयड है जो हमें कॉल्चिकम ऑटमनेल प्लांट से मिलता है, और ये प्लांट कौन सी फैमिली का मेंबर है, लिलियेसी। ये भी आपको याद करना है, प्लस वन बुक में गिवन है। सो
कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि नेचुरली कैरियोकाइनेसिस इज नॉट देयर, सेल डिवीजन शुरू हुआ, डीएनए डबल हुआ, न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली जो डबल डीएनए है वो उसी सेल में रह जाता है और क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, डबल। आर्टिफिशियली कैरियोकाइनेसिस को हम अचीव कर सकते हैं बाय ट्रीटिंग सेल विद कोल्चिसिन। जब हम टिश्यू कल्चर में सेल को रखेंगे, सेल इज स्टिमुलेटेड टू डिवाइड, तो कोल्चिसिन की वजह से डीएनए रेप्लिकेशन इनहिबिट नहीं होगा, सेल का डीएनए जो है वो प्रॉपरली रेप्लिकेट करेगा, बट कोल्चिसिन सेल को मेटाफेज स्टेज में अरेस्ट कर देता है, बिकॉज कोल्चिसिन इनहिबिट पॉलीमराइजेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। इसकी वजह से स्पिंडल नहीं बनेगी, और हमें मालूम है अगर स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं है, क्रोमोसोम का अलाइनमेंट नहीं होगा, क्रोमोसोम का सेपरेशन नहीं होगा, एंड अल्टीमेटली जो डुप्लीकेटेड डीएनए है दैट विल रिमेन इन सेम न्यूक्लियस एंड देयर विल बी नो डिवीजन ऑफ द डीएनए, देयर विल बी नो न्यूक्लियर डिवीजन, और विद द रिजल्ट पॉलीप्लोइडी इज अचीव्ड। सो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो क्रोमोसोमल म्यूटेशंस की वजह से हो सकते हैं और जीन म्यूटेशन की वजह से, और जो क्रोमोसोमल म्यूटेशंस हैं दे आइदर टेक प्लेस बाय चेंज इन मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम और नंबर ऑफ क्रोमोसोम।